मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। विटामिन्स के बारे में सभी जानते हैं और किसी न किसी रूप में विटामिन्स का प्रयोग भी करते हैं, तो ये विटामिन्स का एक जो मायावी संसार है, आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले भी मैंने विटामिन्स के बारे में 16 दिसंबर 2023 को थोड़ी सी चर्चा की थी। आज फिर उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ कि विटामिन्स के अंदर क्या होता है। जब हमें ये पता है कि विटामिन की कोई डेफिशिएंसी हमारे शरीर में है, मान लीजिए विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, तो कहते हैं कि भाई विटामिन बी ले लीजिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो विटामिन डी दिया जाता है। तो इस तरह से ये जब विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी मैंने कई बीमारियाँ पहले बताई थी, पेलेग्रा के बारे में बताया था। तो आज विटामिन जब की कमी हो फिर विटामिन दिया तो ये बिल्कुल एकदम ठीक ठाक मामला चल जाता है। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा समय भी आया जब डॉक्टर्स ने सोचा कि इस विटामिन्स को अगर हम डिफरेंट जो विटामिन्स हैं अगर उनको हम अलग अलग बीमारियों में दें तो क्या होगा, और उनका प्रयोग करके भी देखा कि किस बीमारी के अंदर जो है किस विटामिन का क्या रोल निकलता है। और इस क्योंकि ये तो हमें पता है विटामिन्स जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और इसका हम बिना किसी नुकसान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह थायामिन नाम का एक विटामिन है जिसका हमने नर्व्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए कि न्यूराइटिस अगर होता है या एंटी न्यूराइटिक करके भी हमने इसका विटामिन का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर लाभ भी देखा जाता है। विटामिन ई जिसका आज तक भी अभी हमें ये पूरा नहीं ज्ञान है कि ये किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है किस में नहीं करता है, तो अलग अलग रूपों में हम इसको या अलग अलग बीमारियों में इसको देकर देख रहे हैं और कुछ जगहों पर लोगों को बहुत ज़्यादा भी फ़ायदा देखने को मिलता है। जिस तरह से विटामिन ई का इस्तेमाल यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी में किया जाता है, जिन लोगों को हैबिचुअल एबॉर्शन जिन महिलाओं को होता है कि मतलब कि एबॉर्शन हो गया दोबारा फिर प्रेगनेंसी हुई फिर एबॉर्शन होगा, उसको हैबिचुअल एबॉर्शन बोलते हैं, तो उसके अंदर भी विटामिन ई का रोल देखा गया है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज अगर होती है तो उसके अंदर भी विटामिन ई बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं और उसके अंदर कुछ लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। और इस तरह से अन्य एक बीमारियाँ हैं, स्किन की बीमारी के अंदर भी है, स्किन को ज़्यादा अच्छा हेल्दी रखने के अंदर ग्लो करने के लिए और एंटी एजिंग इफेक्ट्स को छुपाने के लिए भी विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। हालांकि विटामिन ई एक महंगा विटामिन है जबकि कुछ और जो विटामिन बी है सी है ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं। और इसी तरह से जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है वो भी बड़ा फैशन में रहा कि भाई जो रूमेटिक पेन्स होते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज भी कुछ डॉक्टर जो हैं जब कफ कोल्ड वगैरह होता है तो उसमें विटामिन सी का प्रयोग करते हैं और उसके अंदर लोगों को फ़ायदा भी होता है। इसी तरह से विटामिन डी का भी इस्तेमाल पहले किया जाता था, टीबी की अगर स्किन होती थी तो उसके अंदर किया जाता था और उससे लोगों को फ़ायदा भी होता था रोगियों को। और लेकिन उसके बाद में जब एंटी ट्यूबरकुलस मेडिसिन आ गई जिन्हें हम ATT बोलते हैं तो उनका प्रयोग ज़्यादा होने लगा टीबी के अंदर बनिस्पत विटामिन डी के। और ऐसे ही विटामिन डी का इस्तेमाल जो है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म नाम की एक बीमारी होती है उसमें भी किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विटामिन्स का एक बहुत बड़ा मायावी संसार है जिसके ऊपर अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और धीरे धीरे इसके अंदर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।